पूछे तो आज के इसने एवडियो में डिस्कस करने वाले नए चीज के बारे में, वो नया टॉपिक है घनाभ का वेक्टर पृष्ठ, यानी कि इसका समतल पृष्ठ कैसे निकाला जाता है या सीएसए कैसे ज्ञात किया जाता है, वो चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें दी गई देख लेते हैं। यहाँ पर जो घनाभ क्या होता है, यहाँ पर इसके सारे साइड अलग अलग होती हैं, लंबाई अलग होती है, चौड़ाई अलग होती है, ऊंचाई अलग होती है, उसे लोग घनाभ कहते हैं। एग्जांपल आपको देखना है तो माचिस की डिब्बी उठाइए और आपको समझ में आ जाए घनाभ क्या होता है, यानी सारी उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट होती हैं, वो आपको घनाभ कहलाता है। तो घनाभ का वृत्तपृष्ठ होता क्या है ये ध्यान से देखिएगा। तो अगर हम ध्यान से बात डिस्कस करें, अब माचिस को उठाओ तो आपको कितने उसके पृष्ठ दिखाई देंगे, यानी कितने उसके सरफेस एरिया दिखाई देंगे, कितने दिखाई देंगे आपको, छह सरफेस एरिया दिखाई देंगे। एक ऊपर किसे दिखाई देगा, एक नीचे का दिखाई देगा, एक साइड, एक इस साइड में, एक लेफ्ट, एक राइट, आमने सामने, यानी आपको छह हिस्से दिखाई देंगे। तो जिसका फॉर्मूला क्रिएट होता है वो होता है 2LBBHHL, यानी कि लंबाई चौड़ाई चौड़ाई ऊंचाई ऊंचाई लंबाई, इस तरीके से इससे क्या होता है, ये इसका फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से क्या करते हैं फर्स्ट को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल से आपको अच्छे से क्लियर कर देते हैं कि इसको कैसे सॉल्व आउट किया जाता है। यहाँ पे जो मैंने एक एग्जांपल लिया है घनाभ के वृत्तपृष्ठ को निकालने के लिए, तो यहाँ घनाभ की लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई मान लिया एक 10 दी है, 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है। हमें क्या करना है, इसका वृत्तपृष्ठ ज्ञात करना या फिर इसका सी एस एफ क्यूबाइड फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, लंबाई, तो लंबाई को हम रिप्रेजेंट करें तो कितना दे रखा है 10, तो मैंने 10 रख दिया यहाँ पर, ठीक है। चौड़ाई कितनी है 8 सेंटीमीटर मैंने पुटअप किया, 8 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी है यहाँ पर 6 सेंटीमीटर है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीन चीज़ें दी गई हैं, तो इसको हम लिख लेते हैं। तो लेंथ कितनी यहाँ पर है 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ यानी कि चौड़ाई 8 सेंटीमीटर, और यहाँ हाइट दी गई यहाँ पर 6 सेंटीमीटर दे रखी है। तो इसका वृत्तपृष्ठ फाइंड करना है, तो फॉर्मूला क्या है वृत्तपृष्ठ का, 2LBBH+HL, लंबाई 10, ब्रेथ 8, फिर बी 8, ऊंचाई 6 और 10, 10 8 80, 8 6 कितना होगा 48 और 60, सबको जोड़ लेते हैं क्या मिलेगा, तो 0 8 0 कितना आ गया 8 आ गया, 6 4 10 8 18 188 हो गया। आपके करना ब्रैकेट खोलेंगे तो मल्टीप्लाई होगा 2 से, 2 8 16 2 8 16 17 80 लगा 1 2 कम 2 3 376, कितना आया 376 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। याद रखिए कि जब वृत्तपृष्ठ निकालते हैं तो इसका जो मात्रक होता है सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, जब आयतन मैंने बताया था पिछले वीडियो में तो वहाँ पे क्यूब होता है। तो इस तरीके से याद रखिए कि हम इसका वृत्तपृष्ठ निकाल लेते हैं, यानी आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों में से तीनों चीज़ पता होगी तभी निकाल पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पुश करें ताकि नए वीडियो वो आपको टाइम टाइम मिलते रहे। तो खैर इस वीडियो में रहते हैं, नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए बाय बाय।